नमस्कार, लाइट कुकिंग में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे अंडा आलू। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने अंडा पहले से ही बॉईल करके रख लिया है और इसे मैंने इस तरह से अंडे में कट कर लिया है जिससे कि हम फ्राई करें तो ये फटे ना। सबसे पहले हम अंडा फ्राई करेंगे तो इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर जिससे कि अंडे का फ्राई करते हुए कलर अच्छा आए। तो हम एक एक अंडा पहले फ्राई करेंगे। चलो अच्छे से फ्राई करेंगे। चलिए हमारा अंडा फ्राई हो गया है, अब हम इसे निकाल लेते हैं। देखिए हमारे अंडे भी अच्छे से फ्राई हो चुका है। अब इसमें हम डालेंगे ये खड़े मसाला जिसमें लिया है मैंने एक तेज पत्ता, एक हरी इलायची, 3 लौंग, 4 काली मिर्च, 2 दालचीनी का टुकड़ा और 3 साबुत लाल मिर्च और आधा छोटा चम्मच मस्टर्ड सीड। इसे हम ऐड कर देंगे और हम इसे जब तक हमारा ये तड़केगा। यहाँ मैंने 2 प्याज लिया है जिसे मैंने बारीक चॉप कर लिया है, अब इसे भी हम ऐड कर देंगे। प्याज को हम अच्छे से भूनेंगे। जब तक हमारा प्याज फ्राई हो रहा है यहाँ हम मसाला पेस्ट बना लेते हैं मसालों का। यहाँ आधा छोटा चम्मच जीरा पाउडर और आधा छोटा चम्मच टर्मरिक पाउडर और 2 छोटे चम्मच धनिया पाउडर और ये रेड चिली पाउडर, ये कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है। और इसका हम बना लेंगे एक पेस्ट। देखिए हमारा पेस्ट बनके रेडी है और यहाँ हम अब ऐड करेंगे धनिया पत्ती की डंठल, इसे भी हम इसी में ऐड कर देंगे और प्याज के साथ अच्छे से भूनेंगे। देखिए हमारा प्याज भी अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे 1 बड़ा चम्मच लहसुन का पेस्ट, इसे भी अच्छे से हम भूनेंगे। अब इसमें जो हमने मसालों का पेस्ट बनाया था वो भी हमें ऐड कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा पानी ऐड करके ये भी डाल दूंगी और इसको हम मसालों को भी अच्छे से भूनेंगे। इधर यहाँ मैंने 2 टमाटर, 3 हरी मिर्च और 1 अदरक का टुकड़ा लेके मैंने इसका ये पेस्ट बना लिया है, इसे भी हम ऐड कर देंगे। और गैस का फ्लेम हम लो मीडियम रखेंगे और इसे हम कवर करके 5 मिनट पकाएंगे। चलिए हम चेक कर लेते हैं। देखिए ऑयल अलग हो गया, इसका मतलब हमारा मसाला अच्छे से भून चुका है और इसे मैंने बीच बीच में चेक भी किया है। अब इसमें हम ऐड करेंगे ये आलू, इसे मैंने पहले से ही बॉईल करके कट कर लिया, इसे हम ऐड करेंगे और इसे मसालों में अच्छे से भूनेंगे। ये अंडा जैसे हमने फ्राई करा था उसे भी हम ऐड कर देंगे और इसे भी हम अच्छे से मसालों के साथ भूनेंगे। अब हम लो मीडियम फ्लेम में कवर करके आलू और अंडे को मसाले के साथ अच्छे से भूनेंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए अंडा और आलू हमारे मसाले के साथ अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम पानी ऐड करेंगे। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग ग्रेवी रखें। अब इसमें हम डालेंगे ये कसूरी मेथी और आधा छोटा चम्मच हम डालेंगे इसमें गरम मसाला अब हम नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। अब हम कवर करके 7 से 8 मिनट लो मीडियम फ्लेम में पकाएंगे। चलिए चेक कर लेते हैं। देखिए हमारा अंडा आलू बनके रेडी है, ऑयल अलग हो गया है। अब इसमें हम डालेंगे ये बारीक कटा हुआ हरा धनिया, एक बार हम मिला लेंगे।
और अब हम गैस की फ्लेम करेंगे ऑफ और करेंगे इसकी प्लेटिंग। हमारे अंडे आलू की करी बनके रेडी है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।